और इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। अमेरिका के दक्षिण कैरोलिना के चर्च में फायरिंग की घटना सामने आई है। स्थानीय समय के मुताबिक रात 9 बजे जब लोग चर्च जा रहे थे तब अचानक वहां पर फायरिंग शुरू हो गई और अधिकारियों के मुताबिक घटना में कई लोगों के मरने की आशंका जताई जा रही है। चर्च में कई शव देखे गए हैं, अब तक उनकी पहचान नहीं हुई है, लेकिन बताया यही जा रहा है कि 1865 में बने इस चर्च को अश्वेतों ने बनाया था और अब शक ये है कि श्वेत बंदूकधारियों ने इस चर्च पर हमला किया है जिसमें कई लोग मारे गए हैं। हालांकि कितने लोग मारे गए हैं इस हमले में ये अभी पुख्ता जानकारी नहीं मिली है। साउथ कैरोलिना के चर्च में ये फायरिंग हुई है जिसे अश्वेतों ने बनाया था। चर्च में जो लोग गए थे रात के करीब 9 बजे उन पर यह फायरिंग की गई है। हमलावर फिलहाल पुलिस की पकड़ से बाहर बताए जा रहे हैं, लेकिन चर्च के अंदर कई लोगों के शव देखे गए हैं। हालांकि इनकी संख्या कितनी है इसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है। श्वेत बंदूकधारियों की तरफ से यह हमला किया गया है ऐसी आशंका जताई जा रही है और इस हमले में कई लोग मारे गए हैं।